हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। ये वीडियो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जो इंडियन से और जो गैमर है। गैमरों को दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक और तगड़ा झटका दे दिया है। कुछ टाइम पहले ही दोस्तों सबसे पॉपुलर गेम पबजी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। अब कंपनी दोस्तों जल्दी BGMI गेम को भी बैन करने की तैयारी कर रहा है। कल ही दोस्तों गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI गेम यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को हटा दिया गया है। और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि भारत सरकार चीनी ऐपों और पाकिस्तानी ऐपों पर बैन लगा सके। भारत सरकार दोस्तों IT कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। वास्तव में दोस्तों सरकार को मौजूदा IT कानून कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो दोस्तों उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट करने जा रहा है और इसीलिए दोस्तों उसमें बदलाव करने की जरूरत है। अगर दोस्तों कंपनी IT कानून में बदलाव करेगी तो उसका सीधा असर चीनी ऐप और पाकिस्तानी ऐपों पर पड़ने वाला है और इसका दोस्तों सबसे पहला असर BGMI ऐप पर पड़ने वाला है। और इसके मद्देनजर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI गेम को हटा दिया गया है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हैं कैम्चोटेक। आइए शुरू करते हैं। तो आखिरकार सरकार भारतीय बाजार से BGMI गेम को क्यों हटाना चाहती है, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर से पबजी को बैन करवा दिया था। BGMI गेम पबजी गेम के बैन होने के बाद ही लॉन्च हुई थी। इस गेम को पबजी के विकल्प के तौर पर ही पेश किया गया था, लेकिन गूगल ने अब इस गेम को भी हटा दिया है। गेमर्स अब इस फैसले से चिंतित हैं कि आखिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGMI गेम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वह इस बात से परेशान भी है कि कहीं पबजी की तरह BGMI गेम को भी भारत में बैन ना कर दिया जाए। पबजी एक चीनी कंपनी की गेम थी, लेकिन BGMI एक गैर चीनी कंपनी द्वारा बनाई गई गेम है, इसलिए कई गेमर्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसी तरह की गलती भी हो सकती है। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है क्योंकि ये गेम प्ले स्टोर के साथ ऐप स्टोर से भी हट गई है, इसलिए गलती गूगल या एप्पल दोनों कंपनियों में से कोई एक कर सकती है, दोनों नहीं। इसी कारण ये मुमकिन है कि इसे सरकारी आदेश के कारण इसे हटाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार IT कानून 2020 के कुछ प्रावधान को हटा सकती है। इससे क्राफ्टन के बैटल रॉयल गेम BGMI जैसे चीनी गेमिंग ऐप्स को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। बता दें कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सरकार की तरफ से प्रतिबंधित करने की योजना चल रही है। हालांकि इससे एक दिन पहले ही BGMI को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया है। BGMI को भारत में पबजी के बैन होने के बाद लॉन्च किया गया था। BGMI गेम क्राफ्टन कंपनी के तहत काम करता था। इसी कंपनी के दायरे में BGMI भी आता है। बता दें कि BGMI गेमिंग ऐप भारत में प्रतिबंधित पबजी का रिब्रांडेड वर्जन है, जो एक वक्त भारत का सबसे पसंदीदा गेमिंग ऐप था, लेकिन देश की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी के चलते गेमिंग ऐप पबजी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।